तो दोस्तों सब लोग कैसे हो, आ गए हो और एक सोलो रैंक पुशिंग वीडियो लेकर। तो आज हमको फाइनली मिल चुका है कॉन्करर, और जो लास्ट मैच था वो मैंने खत्म किया था 5:29 पे, और मेरे को 5:30 पे कॉन्करर मिला। अभी देखो एनिमेशन देखो, आज ये खुल जा खुल जा। अरे भाई 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 भाई, सच बता रहा हूँ यार, जब ये एनिमेशन दिखता है ना भाई, कॉन्करे करने के बाद रात में जग जग के अगर रैंक पुश करते, उसके बाद जब ये एनिमेशन लिखता है लास्ट में, जब कॉन्करे मिल जाता है आपको, इतना खुशी होता है ना भाई। मतलब जो लोग ना भाई, जो लोग कॉन्करे पुश करते हैं उनको पता है, और जो मतलब जिंदगी के अगर पहले कॉन्करे पुश कोई कर रहा है तो उनके लिए तो भाई क्या ही खुशी का दिन होता है। तो दोस्तों 5 मैच खेलना पड़ेगा फ्रेम कलेक्ट करने के लिए, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि सोलो रैंक पुशिंग के अलावा और भी बहुत कुछ आने वाले हैं, शॉर्ट्स आने वाले हैं स्क्वाड में, रैंक स्क्वाड में मतलब गेम प्ले आने वाले हैं, और बहुत कुछ आने वाला है नया नया। तो आप लोग सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करके रखना। तो चलते आज का जो सोलो गेम प्ले के ऊपर, तो चलते चलो। तो दोस्तों सुबह 5:30 कॉन्करर मिलने के बाद मैंने 2 मैच खेला था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। अभी 3 मैच खेलेंगे तो मैंने हमको ये फ्रेम मिल जाएगा। अभी अभी मैं ये मैच खेल रहा हूँ मैं 10 बजे के आसपास। तो यार अभी जो मेरा करंट रैंक चल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी जो मेरा करंट रैंक चल रहा है वो है 608। तो चलो अभी एक मैच खेल लेते हैं, और ये वाला मैच मैं थोड़ा कट कम करूँगा, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं भाई आप तो कट कर देते हो, आपको पता नहीं चलता आप कैसे उतरते हो कहाँ पर उतरते हो। तो अभी मैं फिलहाल तो खेल रहा हूँ लिविक, क्योंकि यार लिविक में थोड़ा मतलब रिस्क तो रहता है पर बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब गेम मैच बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं लिविक खेल रहा हूँ, उतना ज़्यादा बोर नहीं होता इरंगल की तरह। तो आप लोग इरंगल ही खेलना पहले पहले, तो लिविक मत खेलना। अब मैं तो ऐसे लिविक खेल रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को उतना प्लस नहीं चाहिए, मैं ठीक ठाक चलेगा तो फिर भी चलेगा, कितना 10 10 प्लस निकाल लूँगा फिर तो ठीक है। तो अभी चलो मैच शुरू करते हैं। मैचिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, लिविक है इसलिए, पर कोई बात ना, देखते हैं आगे क्या होते हैं। तो भाई लिविक में मैं ज़्यादातर उतरता हूँ ईस्ट पोर्ट पे, ये जो जगह है ये समुद्र के किनारे, तो इधर मैं उतरता हूँ। इधर क्या होता है, मतलब बंदे आते हैं कभी कभी, एक दो बंदे आ जाते हैं, तो एक दो बंदे अगर आ जाते तो मैं फाइट ले लेता हूँ, क्योंकि यार मतलब उतना भी डर नहीं रहा अब मन में, क्योंकि यार देखो अल्टीमेटली आपकी किस्मत में जो होगा वही होगा। पर इधर मैं थोड़ा रिस्क लेके आता हूँ कि मुझे तो इतना भरोसा रहता है कि भाई अगर 90% टाइम तो भाई 90% चांस है कि भाई मैं तो फाइट निकाल लूँगा। तो अभी तो फिलहाल इधर कोई नहीं आया है, क्योंकि ये देखो ये एक तरीके से हॉट ड्रॉप है, बंदे समझते हैं ये हॉट ड्रॉप है, पर क्या होता है ना कॉन्करर लॉबी में एक मज़ेदार चीज़, मतलब जो हॉट ड्रॉप है उधर बंदे नहीं जाते क्योंकि भाई वो हॉट ड्रॉप है, पर कॉन्करर लॉबी में वो हॉट ड्रॉप नहीं रहता क्योंकि उधर कोई आता ही नहीं है डर के वजह से, समझ रहे हो। इसलिए मैं इधर आता हूँ, लूटपाट करता हूँ, इधर शॉपिंग करने का जगह भी होता है, और ज़्यादातर टाइम पे मतलब बंदे आते नहीं इधर, कभी कभी तो आ जाते एक दो गलती से पता नहीं, तो फाइट लेता हूँ उनको मारता हूँ, या फिर अगर फाइट ना लेना है मेरे को तो मैं कैम करता हूँ, मतलब थोड़ा होल्ड करता हूँ और उन लोग को मार देता हूँ, माने कुछ कभी कभी मर भी जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं मरता, अमर नहीं हूँ मैं, तो मर जाता हूँ कभी कभी, मानस लग जाता है, पर कोई बात नहीं यार, मानस लगना तो यार गेम का, समझ रहे हो ना, मानस लेगा तो भाई मज़ा कैसे आएगा। तो फिलहाल तो अभी थोड़ा लूट करते हैं, अभी देखो हम जोन में कैसे जाते हैं, और सामने भाई एक बहुत ही तगड़ा कैंपर मिलने वाला है, देखो अभी थोड़ा लूट करते ठीक है। और फर्स्ट एड में ज़्यादा उठाता हूँ क्योंकि लिविक में यार जोन बहुत ही ज़्यादा कटता है, मतलब समझ रहे हो, मैं लिविक में आपको फर्स्ट एड उठाना ही है, मतलब 10 फर्स्ट एड तो आपको रखना ही है, मतलब फर्स्ट एड लेके आप लिविक में क्या क्या होता है, फर्स्ट एड लेके आप लिविक के जोन के बाहर वो मतलब वो सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा देर, आपको जोन में जाना ही पड़ेगा। जोन में जाते जाते आपके हेल्थ जो खत्म होगा ना उसके लिए आपको फर्स्ट एड चाहिए होता है, तो फर्स्ट एड बहुत मतलब 8-9 फर्स्ट एड तो भाई मिनिमम ही रखना आपके पास अगर लिविक आप खेल रहे हो तो, क्योंकि यार फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी होता है, बैंडेज से काम नहीं चलता, समझ रहे हो, क्योंकि बैंडेज आप लगाने जाओगे तो भाई थोड़ा मतलब ऐसा जोन होगा कि आपका बैंडेज लगाओगे आप मर जाओगे। तो चलो अभी देखते आगे हम कैसे जाते हैं जोन में, देर से मैं लूट कर लूँगा और बाकी देखो आगे। तो यार मिडिल स्ट्रीम के साइड वाले ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ना, इधर मेरे को जाना था, और थोड़ा रिस्क तो था कि उधर कोई कैंपर हो सकता है, तो रिस्क लिया मैं, पर इधर अभी मेरे को कोई नहीं दिख रहा है तो मैं चला जाता हूँ थोड़ा रिस्क लेके, मैं घरों के अंदर से जाता हूँ एकदम ओपन में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई बंदा हो तो मेरे को तुरंत कवर में जाने का मौका मिल जाए। तो मैं अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, तो चलते आगे घर पे, मैं फिर भी थोड़ा इधर क्रॉसर रखता हूँ ताकि कोई बंदा अगर मारने की कोशिश करे तो मार दे। तो जब भी अगर कोई घर में पुश करो ना तो आप ये माइंड में रखना कि भाई घर में कोई हो सकता है, ठीक है, ऐसे मत जाओ कि घर में कोई नहीं है यार, आवाज़ नहीं आ रहा तो खाली होगा। देखो मैं पहले चेक कर लिया दरवाजे का कवर लिया कि
क्योंकि अगर कोई अरंडा लेटा होगा तो भाई दरवाजे पे मारेगा, तब तक मैं उसको मार दूंगा। अभी जो सीन होने वाला है वो देख के भाई आपको क्या ही मजा आने वाला है। मतलब अभी मेरा जीरो किल है, अभी देखो क्या होता है। मतलब इधर हार्ट अटैक आ गया था भाई, हार्ट अटैक, समझ रहे हो? देखो क्या होता है, मैं सीधा उस पार्ट पे ले रहा हूँ कट करके। तो भाई मैं इधर थोड़ा कैंप ही कर रहा था और ऐसे में मेरे को एक बॉट का आवाज आता है जो कि सामने है। अभी देखो क्या होता है, बॉट को मारा भाई, क्या ही कैंपर भाई। भाई ये बंदा पता है क्या दिमाग लगा रहा था, ये इसके ऊपर चढ़ के बैठा था। भाई मैं इतने देर तक इधर लेटा हूं, इतने देर तक ये बंदा मेरे को कुछ मतलब एक गोली नहीं, थोड़ा हल्का सा भी साउंड नहीं किया। अभी जब बॉट आया तब भाई इसने सोचा होगा अब तो बॉट मार रहा है, अब तो मैं इसको मार दूंगा। पर नहीं भाई, अपन का भी थोड़ा रिफ्लेक्स है, माना कि थोड़ा नूब हूँ पर रिफ्लेक्स अपन में भी थोड़ा थोड़ा है ब्रो, ऐसा नहीं है। तो इधर हमको दो किल मिल जाता है, मैं टेंशन ले रहा था कि यार किल नहीं मिल रहा यार, जीरो किल में मर गया। तो किल तो मिल गया दो, अभी देखो आगे क्या होता है। इधर से जोन कटने वाला है, मैं थोड़ी देर मतलब एक मिनट तक मैं जोन के बाहर बैंडेज वैंडेज लगा के सर्वाइव करने वाला हूँ, इधर होल्ड करने वाला हूँ। क्योंकि देखो बहुत लोग जोन में जाने वाले और जोन में जाते हैं उनका हेल्थ भी लो रहेगा, तो स्प्रे देख अगर एक दो किल ले पाए तो अच्छी बात होगा। तो पर इधर कोई नहीं आता, तो चलते आगे देखते क्या होता है। अभी जोन में जाते, तो भाई मैं अभी जोन में जा रहा था और देखो क्या ही हेल्थ काट रहा है भाई। तो फर्स्ट एड लगा रहा हूँ मैं बार बार, और सामने बंदे भी हो सकते हैं, तो देखो आगे क्या होता है। मैं अभी से कट नहीं करूँगा क्योंकि आपको मतलब थोड़ा प्रॉपर गेम प्ले दिखेगा इधर। तो सामने एक बंदे ने एक बंदे को मारा दूर, और उस बंदे को देखो अभी कैसे भरते हैं भाई। ये बंदा लेट के स्प्रे दे रहा था, इस बंदे ने अभी अभी एक बंदे को मारा था, और अभी हेल्थ तो बहुत ही लो हो रहा है ब्रो, हेल्थ करना पड़ेगा, हेल्थ मारना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं थोड़ा लूट करते इसका पेटी। और एक बात, अगर आपको लग रहा है ना कोई पेटी लूटने के वक्त कि भाई ये तो कवर में है इधर कौन ही आएगा, फिर भी आपको वो पेटी स्मोक करके ही लूटना पड़ेगा। इधर मैं थोड़ा बूस्ट मार लेता हूँ, क्योंकि यार सोलो में पता है बंदे कहाँ कहाँ नहीं रहते भाई। आपने देखा होगा जो पिछला वाला किल मैंने किया भाई, बंदा कहाँ था मेरे को पता ही नहीं था भाई, तो थोड़ा सा ही फ्रस्ट्रेट नहीं था। तो ऐसे आप प्रिपेयर्ड रहिए और हर जिधर भी आप लूटो स्मोक करो। और ऐसे में देखो मैं कूदता हूँ सामने बंदा, भाई ये भी कैंपर है, ये भी देख रहा था कि जोन से बाहर से अभी बंदे आएंगे, तो इधर से यार बहुत ही दिक्कत हो गई, अब तो यार जोन में मर जाएंगे। पर मारने की कोशिश करते, उस बंदे को हेड मारता हूँ मैं, बाकी हील करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, नहीं तो मर जाएंगे जोन के बाहर ही। भाई इस बंदे को तो मारने का ट्राई हम करेंगे, जोन में भले ही जोन में मरे पर डैमेज खाया, डैमेज इसी के साथ साथ हमने इसको भर दिया है। तो अभी हिल करने की कोशिश कर रहा था पर यार बहुत ही गंदा कट रहा था, पर हमको मिल जाता है 10 का प्लस मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो सब लोग सब्सक्राइब करते रहना और शेयर करो, जो भी आपका फ्रेंड सोलो रैंक पुश करना चाहता है शेयर करो। अभी मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह वीडियो भी डालता रहूँगा, तो चलते बाय बाय, प्यार देते रहो ब्रो प्लीज़ यार, बहुत मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो और मेरे को थोड़ा मोटिवेशन दो। बाय बाय।